पायनियर हेल्थ केयर हाउ टू यूज चटनुगा कॉम्बो थेरेपी इंटेलेक्ट एडवांस कॉम्बो थेरेपी। दिस इज इलेक्ट्रोथेरेपी अल्ट्रासोनिक कॉम्बिनेशन। आप वन टाइम यूज कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रोथेरेपी भी यूज कर सकते हैं और अल्ट्रासाउंड भी यूज कर सकते हैं। कम करवाओ एडिट और चैनल, पेशेंट कार्ड भी इसमें लगा सकते हैं, इसमें सारे ऑप्शन हैं लगाने के। ये एप्लीकेटर है इसका, वन एंड थ्री मेगा हर्ट्स बोथ ऑन द वन एप्लीकेटर वन क्रिस्टल विद वी एन आर। इसकी डेंटिसिटी है क्रिस्टल की। अगर मैं इलेक्ट्रोथेरेपी इसको यूज़ करता हूँ, ये सारा इसका पैरामीटर है इलेक्ट्रोथेरेपी का, ICP ट्रेडिशनल 4-port 2-port टैप रशियन हाई वोल्टेज माइक्रो करंट VMS बस्ट और डेड एनिमिक ISSC अगर यूज करते हैं, ये इसका सारा पैरामीटर है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, एडिट में जाके, ये एडिट का है, एडिट के सामने का स्विच, यहाँ जाके आप अपने फ्रिक्वेंसीज का चेंज कर सकते हैं। किसी का भी अप डाउन कर सकते हैं, ये अप डाउन, अप ये इंटर करेंगे सेट, इसकी बीट फ्रिक्वेंसी, बीट लो, कैरियर फ्रिक्वेंसी, ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। देन उसके बाद बैक, ये बैक है, और सीधा यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, ये स्टार्ट है, स्टार्ट करेंगे आपकी डिवाइस से, स्टार्ट करते ही आप इसमें लीड लगाएंगे आउटपुट भी, और देन ये इंटेंसिटी, जितना भी एज ए रिक्वायर ऑफ पेशेंट। स्टॉप पॉज भी कर सकते हैं इसको, अगर कोई बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पॉज करना, बीच में पॉज कर सकते हैं, तो स्टॉप भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी एंड अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक पे अगर आप जाते हैं, ये अल्ट्रासोनिक सर, इसको पहले इलेक्ट्रोथेरेपी का ही सारा कुछ करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में ये सारे करंट्स, पहले तो आपको IFC का दिखाया, 4-port का, देन टेंस के भी चार पैरामीटर है, एसोमेट्रिकल, सिमेट्रिकल बेस, डायफ्रेस और अल्टरनेटिव रेक्टेंगुलर और मोरोफेसिक रेक्टेंगुलर। जो भी आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, अल्टरनेटिव तो अल्टरनेटिव पे जाएं, उसके सारे ये पैटर्न पैरामीटर्स जो इसमें चेंज करना चाहते हैं, चेंज करके स्टार्ट कर, नहीं तो ऐसे सिंपली स्टार्टअप करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। अब बैक, इसमें सिमेट्रिकल, ये सिमेट्रिकल के वेव फॉर्म सारा कुछ इसमें आ रहा है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। बैक अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिंग रेक्टेंगुलर, ये सारे पैरामीटर। बैक मोनोफेसिक रेक्टेंगुलर, हाई वोल्टेज में ये सारे इसके करंट्स हैं। हाई वोल्टेज के कंटिन्यूस 100 PPS, नेगेटिव 2 सेकेंड्स इसका रैम्प है, डिस्प्ले बोल और इसके टाइमिंग। इसमें भी आप स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट और देन इंटेंसिटी, बैक
हाई वोल्टेज करंट VMS करंट, VS का VMS करंट से ये हो गए आपके। डायनामिक करंट, डायनामिक में भी कई सारे हैं, डायनामिक MF, डायनामिक DF, डायनामिक CF, डायनामिक LP, CPID, CPISO, MF प्लस CP, MF प्लस CPID, DF, LP, DFCP, anyone choose, then a start of treatment, back, then back, then उसमें IFC प्री मोड पर भी जा सकते हैं। उसके बाद है स्टार्ट रशियन, माइक्रोग्रंट भी बहुत ऐसे जगह मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही अच्छा CC करंट होते हैं इसके, आप यूज कर सकते हैं। देन सिर्फ स्टार्ट और इंटेंसिटी बैक, VMS बस्ट, ये बस्ट करंट जो आप यूज़ करते हैं उसके सारे रैंप दिया हुआ, कितने बस्ट फ्रिक्वेंसी होने चाहिए ये दिया हुआ, आप इसको एडिट में जाके इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, कोई सा भी एडिट गए। और ट्रीटमेंट टाइमिंग, रैंप भी चेंज कर सकते हैं, फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, जो भी चेंज करना चाहते हैं उसके आगे का स्विच है वो आप चेंज कर सकते हैं। बैक, उसके बाद आप सबसे बहुत अच्छा आप इसको बाहर आते हैं बैक, इलेक्ट्रोथेरेपी, अल्ट्रासाउंड भी है, क्विक लिंक इंडिकेशन भी दिया हुआ है इसमें, कॉम्बिनेशन भी दिया है, पेशेंट कार्ड भी, व्यू एडिट पर। एक चीज़ और भी है इसमें जो कि आप इसकी आप इंडिकेशन भी देख सकते हैं, इसमें बहुत सारे गैलरी हैं वो देख सकते हैं आप, मसल स्पाज, पेन में एक्यूट चाहिए, सब एक्यूट है या क्रोनिक पेन है, जो भी पेन है आप उसको ले जाके उस पर जाके आप उसका फ्रिक्वेंसी को चेंज भी कर सकते हैं या उसी फ्रिक्वेंसी पे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रीटमेंट। स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और देन इंटेंसिटी, स्टॉप, पेशेंट कार्ड, कॉम्बिनेशन में आप जाएंगे, कॉम्बिनेशन का सारा पैरामीटर इसमें आ जाएगा, आप अल्ट्रासोनिक और इलेक्ट्रोथेरेपी दोनों एक साथ कर सकते हैं इसमें। देखेंगे ये पैरामीटर, देखें इतना स्मूथ, इतना इजी है यूज़ करना कि आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक लगा दिया और साथ में इलेक्ट्रोथेरेपी लगा दिया और काम कर सकते हैं। बैक ओनली अल्ट्रासोनिक चलाना, आप ओनली अल्ट्रासोनिक आप यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी का आपको दिखा दिया, व्यू एडिट चैनल, सिलेक्ट चैनल, पेशेंट का कॉम्बिनेशन। इसमें एक चीज़ और है, जैसे आप फाइल में जाते हैं आप, इसके अंदर सारे क्लिनिकल प्रोग्राम्स भी है, ये सारे विद वो क्या कहते हैं, एनाटॉमिकल चार्ट के साथ, जो भी आप एनाटॉमिकल चार्ट में अगर आपको लगता है कि सर्वाइकल में पॉइंट कहाँ पे देना है, ये सर्वाइकल को आप देखेंगे, पेन पे जाना है, पेन में हिप, अर्थराइटिस, क्यूट, ये सारा इसका पैरामीटर आएगा, करियर फ्रिक्वेंसी 5000 हर्ट्ज, कंटिन्यूस मोड, ये सारा स्टार्ट करके आप ट्रीटमेंट टाइमिंग आप दे सकते हैं, स्टार्ट किया और टाइमिंग शुरू।
कॉम्बिनेशन में भी अगर आप ट्रीटमेंट देना चाहते हैं कॉम्बिनेशन में जाएं। ये पैरामीटर है, इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट भी दिया हुआ है इसमें कि कहाँ आप लगा सकते हैं, सारे एनाटॉमिकल चार्ट के साथ आपको दिया हुआ है। अल्ट्रासोनिक कहाँ करेंगे, इलेक्ट्रोड कहाँ लगाएंगे, वो सारा कुछ दिया हुआ है। बैक सीधा यहाँ से आप ये देखें, यहाँ से सीधा होम पे पहुँच जाएंगे। अगर होम पे जाना है तो ये फाइल है इसकी, ये होम है। व्यू चैनल, आप इसमें क्विक इंडिकेटर भी दिया हुआ है, जो भी पेन पे जाना चाहते हैं डायरेक्ट वेव फॉर्म पे, बाउंड पे। अगर जैसे बाउंड है किसी को, आप बाउंड पे गए, बाउंड में भी 3-4 स्टेज दिया हुआ। अगर 3 स्टेज पे जाते तो 3 स्टेज आपको शो करेगा उस पर क्या ट्रीटमेंट देना है। 4 पे जाना है तो 4 पे आप क्या ट्रीटमेंट देना है वो जान दें आपको ऑन द डिस्प्ले शो करेगा। उसके बाद स्टार्ट, और स्टार्ट करके आप ट्रीटमेंट चालू कर देंगे। दूसरा इसमें एक चीज़ और भी अच्छी चीज़ दी हुई है कि अगर आप सेलेक्ट करते हैं स्टेज 4 और आपको देखना है कि हमने लगाना कहाँ पे है इलेक्ट्रोड को, तो उसके लिए ये इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट दिया हुआ है। आप इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट पे जाएं और वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपने कहाँ लगाना है। इसमें नेक्स्ट पेज दिया हुआ, अगर कुछ नहीं जानते तो उसके बारे में दिया है, अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट कैसे एग्जाम करना है आपको। फिर नेक्स्ट पेज दिया हुआ कैसे, टोटली ऑपरेटिंग मैनुअल ऑफ दिस डिस्प्ले ऑन द मशीन। दैन नेक्स्ट पेज इंटेंसिटी कितनी रखनी, इंक्रीज द इंटेंसिटी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए, सारा कुछ दिया हुआ। टोटली GTS थेरेपी कह सकते हैं इसको। बैक पेन, पेन में आ गया, आपको लगता है कि हमने पेन में, कोई भी पेन है आपके पास, क्यूट है, सब क्यूट है या क्रोनिक है, क्रोनिक पेन में गए आप और ये सारे वेव फॉर्म आ गया। अब ये सारे वेव फॉर्म आ गए लेकिन पेन में आपको इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट कैसे करना है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बैक बैक एडिमा का पेशेंट है, मसल स्ट्रेंथनिंग का पेशेंट है, ये एडिमा का दे दिया। एडिमा में भी एक्यूट एडिमा है, क्रोनिक एडिमा है। अब हमने इसको यूज़ करना है कि हमारे पास जो एडिमा है वो क्रोनिक एडिमा है, और उसको कैसे प्लेसमेंट करेंगे उसका कैसे। अब ये सारे इसके पैटर्न आ गया, सारे वेव फॉर्म आ गया कि क्या वेव फॉर्म होना चाहिए, क्या साइन होना चाहिए इसमें, क्या करंट होना चाहिए, फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ दिया। अब इसमें लगाना कैसे है, तो ये इलेक्ट्रोड प्लेस है, ये लोग इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट आपने ये करना है एडिमा का कि ये एरिया को हमने ट्रीट करना है। इसके आगे भी कुछ अगर आपको नॉलेज चाहिए तो यहाँ से नीचे नेक्स्ट पेज दिया हुआ है, दिया हुआ चूज इलेक्ट्रोड दैट फाइल दैन एनाटॉमी ऑफ ट्रीटमेंट इलेक्ट्रोड मस्ट बी सक्सेसफुल सफिशियंटली लास्ट। जो भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके अब उस चीज़ को पूरी नॉलेज ले सकते हैं। देन बैक वेव फॉर्म इसमें क्या है, क्या है सब का दिया हुआ इसमें। बैक इलेक्ट्रोथेरेपी में गए आप, आपको भी वेव फॉर्म के बारे में उसका डिस्क्रिप्शन कुछ जानना है तो आप यहाँ चले गए, उसके डिस्क्रिप्शन आप देख लें कि आपको लगता है कि वेव फॉर्म जो हम दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं। पेज इसका सारा नेक्स्ट आप करते जाएंगे, इंडिकेशन भी आपको दिखाएगा सारा कुछ।